could swear it's been 700 degrees in here since you came in. So, hello guys, good morning. Welcome back to my new vlog. और आज बुधवार है, मैं नादो के रेडियो पे आया हूँ और मैं स्टोर के लिए निकल रहा हूँ. और दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ. और आज मैं देहरादून भी जाऊँगा, तो आपको कल साईं बाबा के भंडारे की वीडियो भी देखने को मिलेगी जो हमने किया है. भंडारा हम काफ़ी बड़ा भंडारा कर रहे हैं साईं बाबा का देहरादून में. तो आप भी, आप सभी का भंडारे में स्वागत है. आप भी भंडारे में आइए और साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए. तो मिलते हैं थोड़ी देर में. तो गाइस, हम फाइनली स्टोर पे आ चुके हैं और अभी हम मेरठ से थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं. और हम अभी थोड़े व्यस्त थे क्योंकि दो डॉगी आए थे, बहुत क्यूट क्यूट से पप्पी, गोल्डन रिट्रीवर जो आपने एंटरटेनमेंट मूवी में देखे थे. अभी उनकी वैक्सीन कराई है. पर गाइस सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं वीडियो बनाता तो वैक्सीन कौन करता, इसलिए मैं वैक्सीन नहीं की वीडियो नहीं बना पाया. बट कोई नहीं, आगे मैं आपको डॉग्स के स्वीट स्वीट से डॉग्स के बच्चे दिखाऊंगा और डॉग्स भी दिखाऊंगा. डेंजर डेंजर, ये देखिए क्लस रहा है कि मैं एक दिन फेमस हो जाऊंगा. ये वकील साहब यहीं कचहरी में बैठे रह जाएंगे, इनके नेक्स्ट मंथ पेपर हैं, ये पढ़ने भी हैं. इन्हें भी मोदी की तरफ से और योगी की तरफ से एक टैबलेट मिली है, तो वो अभी घर रखिए, दिखाएंगे वो भी. वैसे तो आज मैंने आपको बता दिया कि आज मैं देहरादून जा रहा हूँ. तो गाइस, वैसे तो मैं बस से जाऊँगा क्योंकि घर वाले मुझे गाड़ी लेके नहीं जाने दे रहे. और कल काफ़ी बड़ा भंडारा है साईं बाबा का, आप सभी का उसमें स्वागत है. देहरादून में साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ की बहुत मान्यता है. आप भी ये ज़रूर आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा. मिलते हैं अभी थोड़ी देर में. अभी हम गन्ने का जूस पी रहे हैं. मैं तो गाइस, यदि आप भी सौरभ जोशी के फैंस हो तो सौरभ जोशी और पीयू का आज नया गाना लॉन्च हो गया है. गाना काफ़ी अच्छा है, मैंने भी सुना है. यदि आपने नहीं सुना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और आप सीधा यूट्यूब पर पहुंच जाओगे और गाना स्टार्ट हो जाएगा. आप भी बताइए आपको सौरभ जोशी और पीयू का ये सॉन्ग कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा. जैसे कि मेरे पहले व्लॉग में पेडिग्री कंपनी से आए थे, आज जूल्स कंपनी से कुछ बंदे आए हैं जो कि दुकान में डिस्प्ले लगा रहे हैं टूल्स की. तो ये देखे गाइस, ये यहाँ की थोड़ी रोड ख़राब हो रही थी तो परसों ही कंप्लेंट डाली थी और आज रोड ठीक करने वाले आ गए. काम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, अब देखते हैं. इन्होंने खोद तो दिया JCB की मदद से, अब ये कब तक पूरा होता है दिखाएंगे आपको आगे की भी वीडियो. तो गाइस, JCB की खुदाई देखने का भी एक अपना अलग ही मज़ा है. तो आप भी देखिए, ये काम है, काम करना नहीं है, तो यहाँ आ जाते हैं. गाइस, आपको याद होगा एक बार JCB की खुदाई काफ़ी वायरल हो रही थी, तो आप भी ये वीडियो वायरल कर दो. तो गाइस, दुकान की लाइट भाग चुकी है. ये जो लाइट जल रही है ये चार्जिंग वाले बल्ब हैं, ये भी काफ़ी अच्छा चांदना देते हैं. वैसे तो लाइट अभी आ जाएगी एक दो मिनट में. तो गाइस, हम भी चलते हैं घर क्योंकि मैंने आपको पहले भी सुबह ही बताया था कि आज मुझे देहरादून जाना है, तो जाके बैग भी पैक करना है. तो आज मैं आपको देहरादून की सैर कराने वाला हूँ. मैंने अपने बैग पैक कर लिया है. मैंने बैग में ज़्यादा कपड़े नहीं रखे, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े रखे हैं क्योंकि मुझे परसों तो आना ही है वापस. और मैंने अपने ब्रश सब रख लिया है, पर मम्मी बार बार बता रही है कि ये रख लेना ये रख लेना, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ. तो पर आज मैंने शायद सब कुछ रख लिया है. तो अब थोड़ा बहुत खा पी के चलते हैं टोल प्लाजा पे, क्योंकि हमारे यहाँ से सीधी बस मिलती है देहरादून की, तो सीधा मिलते हैं टोल प्लाजा पे.
तो गाइस आप ये जो देख रहे हैं ये टोल है मोदीपुरम मेरठ वाला, यहाँ से मुझे देहरादून के लिए बस मिलने वाली है। तो गाइस अभी हमारी बस ना होटल पर रुकी हुई है, इसे जो कुछ खाना पीना हो खा पी लो। तो मैंने तो एक चिप्स का पैकेट लिया है क्योंकि मैं भी खाना खा के ही चला था, तो आपको सभी अपडेट मिलती रहेगी बैक टू बैक।